आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि दिल्ली छावनी परिषद में असिस्टेंट टीचर के जो पोस्ट निकले हुए हैं। साथियों, आपको जिस प्रकार से आपको दिख रहा होगा ये वेबसाइट, इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखेंगे। तो उसमें जाकर के आप जो है इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वाला अप्लाई ऑनलाइन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, यहाँ पे जाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना जो भी चीज़ फॉर्म भरना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो मैंने कुछ इस प्रकार से आपके सामने जैसे मैंने रख दिया है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे तो इसमें जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा। इसमें आप जाके खेलेंगे तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपके सामने रहेंगे। तो नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो असिस्टेंट टीचर लेवल 6 इन द 7 सीपी पे मैट्रिक्स 35,400 आपका बेसिक रहेगा और अनारक्षित के लिए 14 पोस्ट रहेंगे, एससी के लिए 8 पोस्ट रहेंगे, एसटी के लिए 4 पोस्ट रहेंगे, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 6% रहेंगे, टोटल 40 पोस्ट रहेंगे। और हॉरिजॉन्टल में आप सभी जानते हो कि पीएच के लिए भी रिजर्व रखा जाता है, तो पीएच में किसको किसको लेंगे यहाँ पे आपको दिया गया है। सारी चीज़ें जो नियम हैं यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के लिए जो लागू होता है वो सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। 50% 2 ईयर डिप्लोमा, 45% जो कि 2002 के अनुसार रहेगी, यदि आप 50% है तो 4 ईयर आपका बीएलएड रहना चाहिए, 50% 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन है तो 50% के साथ बैचलर एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जो उम्र है साथियों, जैसे कि आप देखेंगे तो ओबीसी एसटी एससी सबके लिए रहती है, तो यहाँ पे परसेंटेज में जैसे 50% लिखा है तो यहाँ पे परसेंटेज में एससी एसटी ओबीसी और पीएच के लिए 5% के छूट दिया गया है क्वालिफिकेशन में, ध्यान रखिएगा। और जो जो ग्रेजुएशन किए हैं और इसमें यदि वो फॉर्म डालते हैं तो उनको फर्स्ट से 5 के लिए एक ब्रिज कोर्स करना होता है, जिसको करना पड़ेगा। साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे तो एज रिलैक्सेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए एज लिमिट है 21 से 30 वर्ष और एससी एसटी ओबीसी को लगभग जो है 5 वर्ष की छूट दिया जाता है और इसमें जो है जनरल को छूट नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म कब तक से कब भरना है, 22/2/2023 से शुरू हो चुका है और 17/3/2023 तक आपको कंप्लीट करने होंगे। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको कंप्लीट करने होंगे, 17/3/2023 तक आपको फॉर्म भरने होंगे। और आपका इसमें रिटर्न टेस्ट होगा, जो एडमिट कार्ड आपको जारी करेंगे रिटर्न टेस्ट होगा, आपका लिखित परीक्षाएं होगी। तो साथियों, यहाँ पे इसका सिलेबस तो नहीं दिया हुआ है कौन सा सिलेबस में कितना क्या आएगा, लेकिन रिटर्न टेस्ट दिया गया है। यदि इसका सिलेबस यदि आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, हो सकता है सीटेट का सिलेबस ही कम्प्लीट हो जाए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा साथियों, यहाँ पे आपको पूरे चीज़ क्वालिफिकेशन जितने भी आपके, जैसे कि ओबीसी को हो, चाहे जनरल का हो, चाहे एसटी एससी का हो, जैसे जनरल का तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। आपके जितने भी क्वालिफिकेशन हैं जिस पद के लिए डाल रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन का पीडीएफ डालना होगा, आपका फ़ोटो का, आपका सिग्नेचर का, सारे चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस रखे हुए हैं और उसके बाद जो आप देखेंगे एसटी एससी के लिए आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जाकर के आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर लीजिए। यहाँ पे जाने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुलेंगे, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इस प्रकार से खुलेंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर में जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से आएंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें लिखा हुआ है कितना कितना आपको पिक्सल में चाहिए होगा। यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे दिया, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है प्रोसेस में जाइएगा, प्रोसेस में जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, नेशनल कैटेगरी, सेक्स, हस्बैंड नेम यदि फादर है,
कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, सी टेट सर्टिफिकेट्स, सी टेट आपको लगेंगे। उसके बाद एड्रेस डालने होंगे, एड्रेस डालने के बाद क्वालिफिकेशन, नेम, इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट, बोर्ड यूनिवर्सिटी, पासिंग मंथ, पासिंग ईयर, पॉइंट, जो भी जैसे भी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट डालने होंगे, जो आपका क्वालिफिकेशन है। यदि एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का डालना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना एक्सपीरियंस है आपका। और यहाँ पे फोटो डालना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर डालने होंगे। उसके बाद साथियों आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे आप, इस टर्न एंड कंडीशन यहाँ भी करेंगे। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपका फीस जो है यहाँ पे कटेंगे, तो 500 रुपये लगेंगे। तो 40 पोस्ट है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, 17 तारीख तक लास्ट डेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।